अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ड्रीम किचन। आज हम बनाएंगे सिर्फ 5 मिनट में बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए ले लिए हैं मैंने ये ब्रेड के स्लाइस, इसके हम किनारों को कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ के किनारे इसके कट कर लिए हैं, और जो ये इसके निकले हैं ना किनारे, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसके हम ब्रेड क्रम बना लेंगे, ग्राइंडर में डालकर इसके ब्रेड क्रम बना लेंगे। ये देखिए मैंने बना लिए हैं। अब हम इसे साइड पे रखेंगे, और ये मैंने 3 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, इनको बॉईल करके लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच कुटी लाल मिर्चें और काली मिर्चें आधी चम्मच, भैया आधी चम्मच ही नमक है, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज धनिया मिर्ची भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार लगता है। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हमने जो ब्रेड काट कर रखी थी ना, कट कर कर रखी थी, उस पर इसको लगा लेंगे। ये हमने इसकी स्टफिंग बनाई है ना, इसको अच्छे से पतली पतली इस पर लगा लेंगे। हमारी दोनों ब्रेड पे लग गई है। अब हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा चीज़, क्योंकि हम इन्हें बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो बच्चों को चीज़ बहुत पसंद होता है, अगर है तो आप डालिए वरना स्किप कर दीजिए। अब हम जो दूसरा पीस है ना, इसको इसके ऊपर रखकर अच्छे से इस तरह दबा देंगे। ले लिए मैंने 2 अंडे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे 1-2 चुटकी के बराबर, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब हमने जो ये ब्रेड बनाकर रखी है, इसके पहले हम किनारे डिप करेंगे इसमें, फिर सारी ब्रेड को इस तरह से डिप कर लेंगे। अब हमने जो ब्रेड क्रम बनाया है ना, उसकी इस पे कोटिंग कर देंगे। तो ये बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। तब हम दूसरी ब्रेड भी इस तरह से ही कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों ब्रेड तैयार कर ली हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने ऑयल गरम कर लिया था, ये देखिए इसको फ्राई कर लेंगे हम। हमें इसका गोल्डन कलर करना है, और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, क्योंकि अंडा है ना, ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है। तो ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है ना, एकदम गोल्डन गोल्डन। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से गोल्डन कलर कर लेना है इसका। अब हम इसको निकाल लेंगे, हमारे दोनों तरफ से गोल्डन कलर हो गया है। ये हमारी दोनों ब्रेड तैयार हो गई हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गई, और ये खाने में इतनी मज़ेदार है, ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी।